हेलो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज के इस नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। पूछते पछाते हम पहुँच चुके हैं लिटिल इंडिया में। अब जहाँ जिससे भी पूछोगे कोई मना नहीं करेगा आपको बताने में, सभी हेल्पफुल हैं। यहाँ सभी को इंग्लिश आती है। आई थिंक इंग्लिश यहाँ की प्राइमरी लैंग्वेज है। यहाँ की बहुत सारी कम्युनिटी आपको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ की मिल जाएंगी। यहाँ पर मंदिर, रेस्टोरेंट, शॉपिंग एरिया, एवरीथिंग आपको देखने को मिलेगा। आपको लगेगा ही नहीं आपकी इंडिया से बाहर हैं। चलो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग की शुरुआत हम इंडियन टेंपल की विज़िट करके शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, टेंपल विज़िट के बाद हम पहुंच चुके हैं लिटिल इंडिया मार्केट में। जैसे ही मैं कैमरा घुमाता हूं तो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं रानी सिल्क, उनास, राजी एंड दिस इज लिटिल इंडिया। यहाँ आपको इंडिया में मिलने वाली हर आइटम मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसे लगता है कि हम इंडिया में ही हैं। जिस तरफ भी देखोगे आपको साउथ इंडियन कम्युनिटी के लोग ही देखने को मिलेंगे। इंडियन स्टाइल नमकीन आप देख सकते हैं। बारिश स्टार्ट हो चुकी है। ये
मुंबई फैशन ज्वेलरीज देख सकते हैं। एवरीवेयर इंडियन शॉप्स, हरे कृष्णा मेंस चॉइस। हाय फ्रेंड, आपको दिखाना चाहूँगा मेरे पीछे दीवार पे बहुत अच्छी चित्रकारी की गई है, देख सकते हैं आप। पीकॉक वंडरफुल, ब्यूटीफुल स्ट्रीट आप चेक कर सकते हैं। एक्चुअली ये सब पुराने घर हैं और खूबसूरती के लिए इधर चित्रकारी की गई है, आप देख सकते हैं। पियाना फिश एंड ऑयल ऑल ये देखिए। देखिए अपनी विशेष मांग कर यहाँ पर लॉक लगा दे दिया जाता है। आई डोंट नो कि इतने की मानता की, बट दिस वंडरफुल
स्ट्रीट, आई थिंक पीछे रहायश है, यहाँ का जो प्रिंस है ना उसकी, उसका महल दिखाई दे रहा है, आप चेक करना एक बार। यह देखिए, आई थिंक, मुझे पक्का श्योर नहीं हूँ कि ये प्रिंस की रहाइश है, अगर किसी को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। ये देखिए इंडियन कम्युनिटी, एक बात तो है इंडियन कम्युनिटी जहाँ भी जाती है अपना कल्चर अपने साथ लेके जाती है। हमारे सामने है चेन्नई सिल्क की शॉप, आप देख सकते हैं ऊपर बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, बट दिस इज़ वंडर स्ट्रीट। वाओ, आपको ये स्ट्रीट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वाओ, मलेशिया में गोलगप्पे, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी का क्या प्रभाव है। आप कहीं भी इंडिया में, इंडिया से आउटसाइड आप कहीं भी हो, अगर वहाँ पे आपको पानीपुरी गोलगप्पे मिलते हैं तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ इंडियन कम्युनिटी का क्या प्रभाव है। आप देख सकते हैं बॉलीवुड शॉपिंग सेंटर मलेशिया में।